बीजेपी को हराने की शुरुआत फिर से राजस्थान से होगी। राजस्थान में 180 से ज्यादा सीटें इस बार कांग्रेस ला रही है और राजस्थान से इस यात्रा की शुरुआत होगी और पूरे देश में कांग्रेस की लहर होगी। आरएसएस का कोई योगदान है आजादी में? वो लोग क्यों नहीं चाहते थे कि देश आजाद हो? हमने 2018 में राजस्थान में जवाब दिया बीजेपी को, मध्य प्रदेश ने जवाब दिया, छत्तीसगढ़ ने जवाब दिया। हम कार्यकर्ता हैं, छात्र है, वो कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे मुखिया के साथ ऐसी चीजें हो, और जब तक उनकी सदस्यता वापस नहीं की जाती, उनको उनका मान सम्मान वापस नहीं दिया जाता। किसी मुझे बीजेपी शासित राज्य में बता दीजिए जहाँ 500 रुपए का सिलेंडर हो, जहाँ 25 लाख तक का इलाज फ्री हो, बताइए किसी बीजेपी राज्य का नाम। नमस्कार, मैं शिखा सिंह। अभी मेरे साथ जो मौजूद हैं ये लोग राजस्थान के छात्र हैं। ये लोग जो राहुल गांधी की सदस्यता गई है, ये लोग उनको सपोर्ट करने के लिए राजस्थान से आए हैं। तो हम लोग इनको इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कब तक यहाँ रहेंगे और इतनी दूर से आने की क्या वजह है, क्या वजह है आप लोग इतनी दूर से यहाँ आए हैं? देखिए, जो राहुल गांधी जी है वो हमारे कांग्रेस परिवार के एक सदस्य हैं, पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनके साथ जो ये सदस्यता रद्द करने का जो प्रकरण हुआ है वो कहीं ना कहीं उनकी जो देश में लोकप्रियता है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, उसको दबाने का प्रयास ये मोदी सरकार कर रही है। और ये कांग्रेस परिवार के जो सदस्य हैं, हम जैसे आम कार्यकर्ता हैं, छात्र है, वो कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे मुखिया के साथ ऐसी चीज़ें हो, और जब तक उनकी सदस्यता वापस नहीं की जाती, उनको उनका मान सम्मान वापस नहीं दिया जाता, तब तक पूरे राजस्थान के छात्र जो हम यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे साथी भाई जो राजस्थान से आए हैं, हम सभी लोग यहीं रहेंगे। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा इसलिए किया क्योंकि उनकी छवि खराब थी, उसको ठीक करने के लिए 2024 में चुनाव जीतने के लिए या जो भी चीज़ें हैं इसके लिए उन्होंने की, उनकी छवि खराब थी इसके वजह से। छवि कैसे खराब थी उनकी? भारत जोड़ो यात्रा का बस यही वजह है कि वो अपना नाम फिर से लाइमलाइट में आना चाहते थे बस। देखो, लाइमलाइट के में आने के लिए अगर यात्रा की है, उनकी यात्रा करने का मुख्य कारण ये था कि वो जब उन्होंने पूरे देश की यात्रा की थी, उनको पता चला कि देश में किस किस जगह क्या क्या समस्याएं हैं, आम जनता के अंदर क्या आक्रोश है, जो आक्रोश आम जन के बीच में था वो उस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखाई दिया। जो लोग ऐसी बातें कर रही है, ये तथ्यात्मक बातें, इनका कोई औचित्य नहीं है। कब तक आप लोग यहाँ पर रहेंगे? जब तक सदस्यता वापस नहीं जाती, पूरा मान सम्मान। आपको लगता है कि सदस्यता वापस उनको मिलेगी फिर से? जी बिल्कुल लगता है। और कुछ लोग तो बोल रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। वो जो लोकतंत्र खतरे में वो बातें करें, उनका वो कोई एक लीगल पॉइंट पे बात नहीं करेगी भाई, लोकतंत्र खतरे में है। हाँ। लोकतंत्र को खतरे में भाजपा सरकार डालिए, लोकतंत्र को खत्म करने। मोदी जी से तो प्यार करते हैं सब। कौन करते हैं? हम लोग तो नहीं करते, हम तो राहुल गांधी जी से प्यार करते हैं। मोदी से पूरा देश प्यार करता है, आप तो दो चार हैं। दो चार कहाँ, देखो कहाँ, हम दो 400 हैं। हाँ, इधर तो एक ही आप अकेले दिख रहे हैं। हम सर, हमारे जो साथी भाई हैं सब रुके हुए हैं। 1000 लोगों की भीड़ होटलों में है। ये जितने भी लोग दिख रहे हैं सारे नेता हैं, सारे आने वाले राजस्थान के सारे विधायक हैं, और एक एक के पीछे 1000 लोग हैं, सब धर्मशालाओं में होटलें नहीं मिल रही लोगों को। करवा लेंगे सदस्यता, राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे हम तो आने वाले चुनाव में। सदस्यता की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री होंगे राहुल गांधी जी देश के। लेकिन अमित शाह कहते हैं कि 2024 जब तक मोदी रहेंगे तब तक, जब तक मोदी रहेंगे तब तक वही प्रधानमंत्री। अमित शाह तो तड़ी पा रहे हो, क्या बोलेंगे अमित शाह? वो तो 2000 उनको तो बीजेपी ने जबरदस्ती 19 में चुनाव लड़ा, 14 में तो एलिजिबल नहीं थे चुनाव लड़ने के, 5 साल में बीजेपी ने उनके सारे केस हटाए हैं, फिर जाके वो चुनाव लड़े, वो क्या बोलेंगे अमित शाह? वो तो सबसे बड़े बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने भी कहा है कि अकेले राहुल गांधी तो नहीं हरा सकते मोदी को, मोदी के लिए मोदी को कोई नहीं हरा सकता। देखिए, सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बात कही थी, जो विपक्ष था, जो बीजेपी के अगेंस्ट जो लोग हैं वो कई पार्टियों में बटे हुए हैं पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में, चाहे बंगाल की बात हो, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में है, यूपी में बसपा और सपा में बटे हुए हैं, बिहार में आरजेडी जेडीयू में बटे हुए हैं। तो इन सब लोगों को एक बार बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना, तब जाके एक बार बीजेपी को हराया जा सकता है, और ये पार्टी इसको देश से खत्म करना होगा, क्योंकि देश के तो विपक्ष एकजुट होगा। बिल्कुल, विपक्ष एकजुट होगा और विपक्ष का नेतृत्व करेगा राहुल गांधी। तो लग रहा है 2024 में जीत जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग सब इतना प्यार करते हैं लेकिन फिर भी इतने कॉन्फिडेंट होके बीजेपी जो है वो बोलती है हम ही आएंगे और लगातार? देखिए, आप बोल रहे हो बीजेपी बोल रही है हम आएंगे। हमने 2018 में राजस्थान में जवाब दिया बीजेपी को, मध्य प्रदेश ने जवाब दिया, छत्तीसगढ़ ने जवाब दिया। तो ये तो जब मोदी जी को आने के बाद में कांग्रेस सरकार ने राज्य में आई है ना, और राजस्थान की शुरुआत इस बार जो बीजेपी को हराने की शुरुआत फिर से राजस्थान से होगी। राजस्थान में 180 से ज्यादा सीटें इस बार कांग्रेस ला रही है और राजस्थान से इस यात्रा की शुरुआत होगी और पूरे देश में कांग्रेस की लहर होगी। लेकिन जनता तो योगी जी की, मोदी की पूजा करती है। देखिए, कौन करता है पूजा? पूजा तो लोग रावण की भी करते थे, पूजते तो लोग कंस को भी थे, तो ये तो वही कंस रूपी है नरेंद्र मोदी। तो लगातार 3 दिनों से आप लोग जो हैं ये मोर्चा निकाले हुए हैं, डरो मत,
हम तुम्हारे साथ हैं, तो लगातार डिटेन किया जा रहा है आप लोगों को, तो इस पे क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, ये NSU का छात्र है, ये कांग्रेस का छात्र है, बिल्कुल हम कह रहे हैं कि डरो मत। हमें राहुल गांधी जी ने हमें सिखाया कि डरो मत, और अगर बात आई राहुल गांधी जी को जेल भेजने की तो NSU का, कांग्रेस का, देश का हर एक युवा देश में आप लोग तो गिरफ्तार हो जा रहे हैं, क्या बचाएंगे राहुल गांधी को? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, राजस्थान में हजारों लाखों लोगों में आजादी की जंग जगाने के लिए किसी को गिरफ्तारी देनी पड़ती है, तो जब हम गिरफ्तार होंगे तो हमारे पीछे लाखों करोड़ों छात्र राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरे साउथ इंडिया तक लोग सड़कों पर आएंगे, फिर से आजादी की वो लड़ाई शुरू होगी, और बीजेपी जैसी तानाशाही, ये जो अंग्रेजों की औलाद है, इनसे फिर से देश को आजादी मिलेगी। कौन है अंग्रेजों की औलाद? बीजेपी है। ऐसे कैसे बोल? बिल्कुल है। 2000 हम 1947 से पहले की बात करें, RSS का कोई योगदान है आजादी में? वो लोग क्यों नहीं चाहते थे कि देश आजाद हो? वो लोग क्यों नहीं चाहते थे कि देश में लोकतंत्र आए, देश में चुनाव हो? आप ये बात मानिए या ना मानिए, महिलाएं ज्यादा सुरक्षित हैं, रोजगार मिल रहा है लोगों को? कहाँ रोजगार है, रोजगार मिल रहा है आप बताइए? अग्निवीर, यह अग्निवीर कोई रोजगार है? आप कह रहे हैं कि हम अग्निवीर से रोजगार दे रहे हैं, जब हमें 4 साल ट्रेनिंग मिलती है, जब 18 से 22 साल तक वो छात्र, वो अग्निवीर जो जिसे आज आप अग्निवीर कह रहे हैं, वो सैनिक सब कुछ सीख लेगा, देश के लिए उसमें लड़ाई लड़ने के लिए जुनून जब जगेगा 22 साल की, तब आप उसको रिटायर कर दोगे? ये आप रोजगार दे रहे हैं? पैसे भी तो मिलेंगे। देखिए, आप किसी को 22 साल में पूरा उसको जीवन पढ़ाए, आप 22 साल में किसी को रिटायर्ड कर दोगे? राहुल गांधी ने ऐसा कभी नहीं किया था, लेकिन मोदी सरकार जो है 5 किलो राशन भी दे रही है गरीबों के लिए। आप एक मीडिया पर्सन है, और आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने नहीं किया, ये खाद्य सुरक्षा का ये जो कानून, ये किसका कानून है आप बताइए ना मेरे को? फ्री में किसने दिया? फ्री में जनता को दे रहे हैं प्रधानमंत्री जो है। कांग्रेस सरकार कोविड के अंदर, जब नरेंद्र मोदी जी जब संसद में बैठे थे, जब बीजेपी के कार्यकर्ता जब अपने घरों में छुपे थे, तब कांग्रेस सरकार राजस्थान के अंदर फ्री में राशन बांट रही थी, और फ्री में राशन नहीं, राजस्थान ने जो राजस्थान में जो गहलोत सरकार है वो 25 लाख रुपए तक लोगों का इलाज फ्री कर रही है। आप किसी मुझे बीजेपी शासित राज्य में बता दीजिए जहाँ 500 रुपए का सिलेंडर हो, जहाँ 25 लाख तक का इलाज फ्री हो, बताइए किसी बीजेपी राज्य का नाम। तो क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री बना पाएंगे? बिल्कुल बनेंगे राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री। ये सपना कभी हकीकत नहीं होगा बीजेपी के रहते हुए, बीजेपी ही आएगी जब भी आएगी। कैसे आएगी, आप कैसे कह सकते हैं? आप एक बीजेपी, मैं नहीं कह रही, मैं नहीं कह रही, जनता कह रही है। आप तो एक बीजेपी प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। देखिए, जनता क्या कह रही है, आप क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये मुद्दा नहीं है ना, ये विषय है। ठीक है, आज पूरा देश राहुल गांधी जी को नेता मान चुका है।